2 अक्टूबर 2024 मॉर्निंग के बजे है 8। आलू गोभी का सब्जी बन गया है, अभी मैं बना रही हूँ सादा पूरी और कचौड़ी। ये मेरा शूटिंग कल का है, कल पितृपक्ष का आखिरी दिन था और साइड में हमारे घर में पितृपक्ष का पूजा चालू है। मेरा यहाँ खाना बन गया है, पूजा भी खत्म हो चुका है, मैंने पैर पढ़ लिया है और अभी हम नाश्ता कर लेंगे। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं पहुंच रही हूँ डीमार्ट में। डीमार्ट में बैग अलग से रखना पड़ता है, वो लोग लॉक कर देते हैं क्योंकि पितृपक्ष का आखिरी दिन है, इसमें अन्नदान करना शुभ माना जाता है। तो मैंने आटा ले लिया है, अभी चावल और दाल ले रही हूँ। उसके बाद ऑयल लेने के लिए पहुंची, जितना दान करना था उतना मैंने ले लिया है। अभी मैं एक चॉकलेट ले लेती हूँ, डार्क चॉकलेट। फिर घर आने के बाद थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया, वॉशिंग क्लोथ्स, सम किचन क्लीनिंग। फिर खाना खाने के बाद सास के साथ बैठ के बातचीत भी हो गया। उसके बाद घड़ी में बज रहा है 4 और मैं रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। मंदिर में काफी गरीब लोग मिल जाते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर ही जाके ये अन्नदान कर देती हूँ और उसी का मैं पैकिंग कर रही हूँ। गाइज, ये सब मैंने पहले भी किया था लेकिन पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाया था। गाइज, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, इतना धूप है, बहुत गर्मी हो रहा है घर में। तो यहाँ मेरा पैकिंग हो गया है, मैं एक बड़े बैग में डाल देती हूँ सब। और यहाँ देखो मेरा 2 बैग फट भी गया, इतना पुअर क्वालिटी का बैग मिल रहा है। 10 रुपए का बैग मैंने लिया था और वो भी तुरंत फट गया, तो मैं दूसरे बैग में उसको ट्रांसफर कर रही हूँ। मेरे पास कुछ बिस्किट्स भी मैंने लिए थे तो वो मैं बच्चों को दे दूंगी। और यहाँ मेरे पास 17-18 किलो का सामान है, पता नहीं मैं कैसे लेके जाऊँ। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऑटो मिल गया और मैं मंदिर पहुंच गई। देते हैं क्या? ये ले लो बिस्किट, ये लीजिए दीदी, उनको देना। हाँ हाँ, उनको ही, उनको आंटी दे दो, हम तीनों जन बांट के ले लेंगे। एक ये आपके लिए, आप बांट के खा लेना सब लोग। हाँ दीदी, 50-50 22 वाला जाम, 50 वाली एक्सट्रीम। मेरे को ले ले, ये लो देना, ये ले। मम्मीला राशन दिला ना, तुम्हारा राशन ना भेटा। दीदी हमको खाने को दिला दो, दीदी हम लोग को भी खाने को दिया। मुझे जाम पाओ, मुझे मुझे सबको जाम पाओ, मुझे भी जाम पाओ। कुछ कुछ बच्चों को बिस्किट्स नहीं मिल पाया था तो मैंने उनके लिए मस्का पाव ले लिया। को जैम ब्रेड खाना था लेकिन वो नहीं अवेलेबल था तो मैंने उनके लिए मस्का पाव ले लिया। बच्चे बहुत खुश हो गए, ये देख के अच्छा भी लगा। पीछे थोड़ा हो जाओ ना। रुको, सबका हो जाए। अन्नदान होने के बाद मैं मंदिर में ही आई थी तो मंदिर तो जाना बनता ही है। माता के दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं चुनरी देख रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे नवरात्रि है। फिर ये होने के बाद मैं मेडिकल से कुछ सामान ले लिया और मैं घर पे पहुंच गई। सो दिस वाज माय डे ऑन 2nd अक्टूबर 2024। गाइज, आई होप यू एंजॉयड माय ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।